हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ ये चॉकलेट, जिसको मैंने डेट स्टाइल के स्वीटन किया है। तो सबसे पहले मैंने जो पीनट बटर है वो बनाया था। अगर आपके पास रेडीमेड पीनट बटर है तो आप वो यूज़ कर सकते हो, और अगर आपको रेसिपी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। जब मैं पीनट्स रोस्ट कर रही थी उसी टाइम पर मैंने जो डेट्स हैं मेरे पास उनको मैंने भिगो दिया था। तो भीग के क्या वो सॉफ्ट हो जाते हैं तो अच्छे से पिसते हैं। तो सबसे पहले मैंने पीनट बटर तैयार किया। जब बटर बिल्कुल रेडी हो गया था उसके अंदर मैंने डाल दिए थे ये डेट्स उसको स्वीटन करने के लिए, और मैंने डाल दिया था बहुत सारा कोको पाउडर ताकि जो चॉकलेट का फ्लेवर है वो कम ना हो जाए। मैंने साथ में एक बड़ा वाला पैक लेके जो 99% डार्क चॉकलेट होती है उसको मेल्ट कर दिया था। मेल्ट आप माइक्रोवेव में कर सकते हो या फिर एक गर्म पानी के बर्तन के अंदर, आप एक पानी गर्म करके उसके अंदर एक छोटे बर्तन में चॉकलेट डाल के मेल्ट करो तो भी मेल्ट हो जाएगी। सबसे पहले मैंने इस मोल्ड के अंदर नीचे लेयर लगाई एक डार्क चॉकलेट की, ऊपर जो हमने ये मिक्स तैयार किया मैंने उसकी लेयर लगाई, और उसके ऊपर मैंने फिर से डार्क चॉकलेट की लेयर लगाई। उससे क्या होता है, क्योंकि सिर्फ डार्क चॉकलेट जो है वो जमेगी, आपके डेट्स और पीनट बटर उतने इतने अच्छे से जमते नहीं है, इसलिए डार्क चॉकलेट बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर नीचे और ऊपर लगाना। ये मोल्ड बिल्कुल ऑप्शनल है, मेरे पास पड़ा था, इनफैक्ट इसमें टूटती है क्योंकि ये शेप्स बहुत डेलिकेट होते हैं चॉकलेट के। आप नॉर्मल मोल्ड में या फिर स्क्वायर शेप में या किसी भी अपने पसंद के शेप में उसको बना सकते हो चॉकलेट्स को, ज़रूरी नहीं है आपको ये मोल्ड की ज़रूरत है। बस ये चॉकलेट्स बिल्कुल रेडी हो गए हैं, बहुत टेस्टी है और स्वीटन क्योंकि हमने डेट से किया है इसलिए थोड़े हेल्दी भी है। और उसके अलावा अगर आपको इसके ऊपर स्प्रिंकल्स डालने हैं या किसी तरह की डेकोरेशन करनी है तो आप प्लीज़ कर सकते हो। मैंने स्प्रिंकल्स डाले बट मुझे रियलाइज़ हुआ है कि चॉकलेट्स ऐसे ही बहुत टेस्टी लग रहे थे, बहुत अच्छा चॉकलेट का फ्लेवर है, डेट्स का फ्लेवर बिल्कुल नहीं आता इसके अंदर। तो पक्का से ज़रूर से बनाना, बताना ज़रूर से कैसी लगी अगर आपने बनाई तो, या अगर उसके अंदर कोई वेरिएशंस किए या फिर आप कैसे बनाते हैं वो भी बताना, क्योंकि ये डार्क चॉकलेट है बहुत जल्दी मेल्ट होती है इसलिए इसको आपको फ्रिज में रख के रखना पड़ेगा। तो जब खा रहे हो तब निकालो और फिर वापस फ्रिज में रखो। तो मैं वीडियो बना रही थी उतनी देर में ये मेल्ट होने लग गई, ये बहुत टेस्टी बनी है। तो ज़रूर से बताना आपको कैसी लगी रेसिपी, और सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।